गुरुग्राम में सुबह तेज हवाओं के साथ आई बारिश के बाद गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। निगम की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि इस बार बारिश में पानी नहीं भरेगा, लेकिन सुबह थोड़ी सी ही बारिश ने इन दावों को धो डाला और दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ साथ गुरुग्राम की तमाम सड़कों पर जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, गड्ढे भी हो रहे हैं जिसमें सेक्टर में पानी तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है। मैं यही सेक्टर 9 के यही पेट्रोल के सामने से आता हूँ, कॉलोनी फिरोज गांधी कॉलोनी। दिक्कत आ रही है, रोड भी टूटे हुए, जाम भी लग जाता है और पानी भी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। गर्मी से राहत मिली लेकिन ये दिक्कत आ रही है। बस सरकार से प्रशासन से यही कहना चाहूंगा रोड वगैरह ठीक करे बस, और तो क्या है। ये सिचुएशन गुड़गांव में खास तौर से काफी ज्यादा है, हर जगह पे जल भराव, थोड़ी सी बारिश होने पे ही काफी जल भराव हो जाता है, जिससे जो पब्लिक को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जल भराव के कारण रोड भी जो है ना, रोड मेंटेनेंस ज्यादा चल नहीं पाते, रोड भी उखड़ जाते हैं। हाँ, गर्मी से काफी राहत मिली है, आज पूरा मौसम बिल्कुल ठंडा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब जरा सी बारिश में ही ये हाल है तो आने वाले दिनों में मानसून के दौरान शहर के क्या हालात होंगे। इन तस्वीरों से यही अंदाजा लगाया जा सकता है। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट।